नमस्कार, सीनियर किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पैनकेक, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है, और सारी सामग्री हमारे किचन में ही मिल जाएगी। तो आइए चलिए, इसमें लगने वाली हमारी सामग्री है 2 कप आटा, आधा कप पिसी हुई चीनी, दूध, ऑयल और सौंफ और बादाम और बेकिंग पाउडर। तो चलिए बनाते, उसमें डालेंगे 2 कप आटा, आधा कप चीनी। चीनी अपने मीठे के हिसाब से कम बेसी कर सकते हैं। इसी कप से मैंने आटा भी लिया है। बादाम और सौंफ डाल देंगे, सौंफ जो अच्छे से डाइजेशन करता है। बेकिंग पाउडर आधा स्पून से भी थोड़ा सा कम, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे दूध, दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे ज़्यादा गीला ना हो। इसमें हमने इस कप से 2 कप दूध डाला है और चुटकी भर नमक डाला है, जिससे उसका स्वाद निखर के आए। अच्छे से मिलाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, फिर बनाएंगे। तो देखिए, इसकी थिकनेस हमारे लिए पैनकेक बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है ये। तो चलिए बनाते हैं पैनकेक। पैन गरम हो चुका है और ऑयल डाल दिया है इसमें। अब हम डालेंगे बनाया हुआ मिश्रण। तो इसे गार्निश करेंगे सेब से और हनी से, फिर इसको खा के देखिएगा कैसा लग। हमारा पैनकेक बनके तैयार है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और अब इसको बच्चों को खिलाइए और आप भी खाइए और एंजॉय करिए। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और अच्छा लगे तो जरूर अपना अनुभव मेरे साथ कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब की बाय बाय।